हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और अभी देखिए, शाम का समय हो गया है, तो मैं सारे कपड़े जो थे वो छत से लाई थी, तो मैं फ़ोल्ड कर रही थी और फोल्ड करके सब लगा दूंगी। और ठंडी जो है वो जा रही है, तो धीरे धीरे बाकी जो मतलब जैसे कि रजाई हो गई, कंबल हो गए, वो सब तो मैंने दीवान में रख दिया है। और ये ऊनी वाला बेडशीट था, इसे भी मैं वाश करके अब रख दूंगी दीवान में, क्योंकि अब इसका काम नहीं है। उतना ज़्यादा ठंड अब नहीं पड़ रही हमारे यहाँ, बस रात का थोड़ा ठंड है। और यहाँ देखिए, रुपेश प्रोजेक्ट बना रहा है, ट्री है कुछ मिला था, और मतलब वेदर व्हील बनाने को मिला था, तो वही रुपेश अभी बना रहा है। कल उसे सबमिट करना है हेलो स्कूल में। फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हो गए हैं शाम के 6:30। आज है छवि का बर्थडे, उसी का मैं तैयारी कर रही थी। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि बहुत कुछ करूँगी, पर मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। मुझे फिर से टाइफाइड हो गया है, इसकी वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। वो जिद कर रही थी छवि की, जैसे होता है ना कि बच्चों का जब भी बर्थडे आएगा तो मेरा तबीयत ही ख़राब हो जाता है। तो बोल रही थी छवि की, मम्मी आप जब हम लोग का बर्थडे आता है तो तबीयत ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हल्का ही मना लेते हैं, तबीयत अभी मतलब थोड़ा बेटर लग रहा है, तो बस ऐसे ही हल्का सा मैं सेलिब्रेट करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो अभी चलते हैं किचन में, बनाते हैं। देखिए मैंने कट कर लिया है, थोड़ा सा वेजिटेबल कट कर लिया है, बस मुझे बनाना है चूड़ा मटर। तो चूड़ा मटर की तैयारी कर लूँगी। और यहाँ देखिए रुपेश जो है वो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है यहाँ पे, देखिए। और छवि अभी गई है मार्केट कुछ सामान लाने के लिए। छवि और छवि की मौसी गई है, छवि को मैंने अकेले नहीं भेजा है। तो क्या हुआ, तो वहाँ रुपेश देखिए अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। पास से दिखा और दीजिए। हाँ, पास से दिखा चुके हैं। और मुझे फिर से फी मतलब जब भी मुझे फीवर होता है ना, तो मुझे टाइफाइड ही निकलता है। और मेरे मतलब बॉडी में ना स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब सूजन हो रहा है। आप देख सकते हो मेरे फेस से कि मेरा मतलब फेस भी कितना जो है वो फूला फूला लग रहा है। तो इसकी वजह से और टाइफाइड की वजह से मुझे थोड़ी वीकनेस लग रही है, तो इसलिए मैं ब्लॉग जो है प्रॉपर नहीं डाल पा रही थी। पर अभी देखिए ठीक हो जाऊंगी, तो फिर मैं रूटीन में आ जाऊंगी। अभी तो घर का काम भी मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रही हूँ। ज्योति आई है, थोड़ा हेल्प कर दे रही है, और थोड़ा बहुत मैं कर दे रही हूँ, तो काम जो है वो हो जा रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में, बना लेते हैं छवि के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा मतलब नहीं करूंगी। अभी मुझे डेकोरेशन करना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, धीरे धीरे करूंगी तो ठीक रहेगा, हो भी जाएगा आसानी से। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में, फिर दिखाती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सोचा था। मैंने मतलब मीशो से छवि के लिए बैलून वगैरह सब कुछ मंगा लिया था, पर जितना हो सकेगा उतना ही मैं तैयारी करूंगी, अपने आप को थकाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं थका लूंगी तो फिर मेरी तबीयत जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं मतलब इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दूँगी घर को, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं आगे किचन में। मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं मसाला तैयार कर लूँगी पनीर की सब्जी का, जिसके लिए मैंने लिया है अदरक, हरी लहसुन, हरा मिर्च, प्याज और टमाटर। इस सब का मैंने ऐसे ही पेस्ट तैयार कर लिया है, दरदरा टाइप का, थोड़ा सा दरदरा से मतलब सॉफ्ट है। और कढ़ाई गर्म होने को रख दिया था, फिर मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, जीरा से तड़का लगा दिया, जीरा और लौंग से, फिर कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च मतलब मसाले से पहले डालने से बहुत अच्छा सब्जी का कलर आता है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, फिर देखिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर मैंने उसमें सारा मतलब मसाला जो मैंने पीसा था वो सब डाल दिया है, और अच्छी तरह उसे भूनने के लिए एक साइड में छोड़ दिया है। दूसरी साइड में मैंने दूसरी कढ़ाई में जीरा जो है उसे भून लिया है, ऐसे ही बिना ऑयल के ही भून लिया है। उसे साइड में निकालने के बाद मैंने सरसों का तेल फिर से गर्म किया है, और दूसरी तरफ मैंने मिक्सर में पीस लिया है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट, दरदरा पेस्ट तैयार किया है। और यहाँ प्याज मैंने कट कर लिया है, जैसे हम ऑमलेट में डालते हैं बारीक बारीक, वैसा मैंने प्याज कट कर लिया है। और इसे अब मुझे भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो ना जाए। और दूसरे साइड में मसाला भी चला रही हूँ कि मेरा मसाला भी जो है वो मतलब लो फ्लेम पर भूनता रहे, हाई फ्लेम मैंने नहीं किया है अभी। और यहाँ देखिए जो जीरा मैंने भून के साइड में रखा था, उसे बेलन की हेल्प से मैं मतलब उसका पाउडर बना लूँगी, और बहुत ईजिली पाउडर जो है बन गया था, और मैं दिखा नहीं पाई। कढ़ाई में मैंने हरी मिर्च और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो भी मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से भून लूंगी। दूसरी साइड में मैं मसाला भी मतलब भूनती जा रही हूँ, अच्छे से देखिए मसाला लगने लगा था। तो दोनों तरफ ध्यान बराबर रखना है। और अभी मैं डाल देती हूँ मटर, इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चीनी या नमक और हल्दी पाउडर, रूटीन के वही मसाले। मैं चूरा मटर में चीनी जरूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मीठा चूरा मटर,
तो अभी तो तबीयत भी उतना सही नहीं था, पर छवि ने जिद किया कि किसी का बर्थडे आप सेलिब्रेट नहीं करते हो जब, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा ही हल्का फुल्का ही मतलब सेलिब्रेट कर लेते हैं, और अभी मैं इसे कवर करके रख दूंगी तब तक के लिए कि जब तक जो है मटर सॉफ्ट ना हो जाए। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है चूड़ा, और ऊपर से डाल दिया है मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इस सबको मैं अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से चूड़े पर मतलब फैल जाएँ, और चूड़ा मटर बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने चूड़ा मटर बना लिया है, फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और बहुत टेस्टी बनके भी आया है, ये देखिए कितना खिला खिला बना है। और अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी फिर खुद तैयार होऊंगी। छवि को उसकी मौसी तैयार कर दी है, चलिए मैं दिखाती हूँ छवि कैसी लग रही है रेडी होने के बाद। छवि कहाँ गई है, नहीं है? चलिए तो अभी छवि अपना जो फेस वॉश कर रही है, तो अभी मैं चलती हूँ पहले डेकोरेट कर लेती हूँ जहाँ पे हम लोग केक कटिंग करेंगे वहाँ पे, फिर आपको छवि से मिलाती हूँ। मेहमान जो है आ गए, क्षमा अभी बिल्कुल रेडी हुई आई है, यहाँ पे रेडी होगी, और अभी मैं जा रही हूँ डेकोरेट करने। हाँ 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 चलिए मम्मी, तो अभी मिलते हैं आपसे, पहले दिखा दी। और फेस का इसे पिंक दिख रहा है, रेड कलर चेंज हो जाता है। और अभी घर जो है वो डेकोरेट कर रही हूँ, बस आगे का थोड़ा सा एरिया मैं डेकोरेट करूंगी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था तबीयत खराब है, तो ज्यादा कुछ मतलब नहीं कर पाई। सोचा तो बहुत कुछ था मैंने कि बहुत अच्छी तरीके से मतलब डेकोरेट करूंगी घर को और सेलिब्रेट करूंगी, तो ये देखिए कुछ ऐसा अभी मतलब तैयार है। बस साइड में मुझे बैलून जो मैं लगा रही हूँ वो मुझे बस बैलून वाली रस्सी यहाँ किनारे में लगा देना है, डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और छवि के मौसा और मौसी भी आ गए थे, तो धीरे धीरे गेस्ट आ रहे थे, पर अभी 8 नहीं बजा है, मैंने 8 बजे उन्हें इन्वाइट किया था पर वो लोग 8:30 बजे आए थे। ये ब्लॉग काफ़ी मतलब बहुत पुराना ब्लॉग है, पर मैं इसे आज एडिट कर रही हूँ, मन नहीं था लेकिन फिर भी सोचा कि चलो एडिट कर लूँ। छवि बोल रही थी कि आप मेरा ब्लॉग मम्मी यूट्यूब पे नहीं डाल रही हैं, तो मैंने कहा लावा आज एडिट करके डाल ही देती हूँ। अब थोड़ा मतलब बेहद अच्छा लग रहा था, और कितना प्यारा लग रहा है, अभी हल्का ही सजा है तो इतना अच्छा लग रहा है। और अभी देखिए बैलून भी साइड में मतलब लग जा रहा है, फिर बाकी सारे बैलून अंदर लोग फुला रहे थे और मैं लगा रही थी। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे मतलब वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा लगे कि हाँ प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग वॉच कर रहे हैं, फुल वॉच कर रहे हैं, वॉच टाइम आ रहा है, और मैं वीडियो बनाने में मतलब मतलब मुझे अच्छा लगे वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने वेयर किया है ये वाला सूट, है ये पिंक कलर का बट इसमें ये पर्पल कलर का दिख रहा है। और यहाँ पे देखे अभी कुछ ही गेस्ट आए, ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, और मैं आपको छवि का लुक दिखा रही हूँ कैसी दिख रही है मेरी छवि का फाइनल लुक। छवि टर्न हो, तो ये है छवि का लुक, छवि भी तैयार हो गई है। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर में मतलब डेकोरेशन जो है वो कैसा हुआ है। यहाँ पे अभी सब लोग, रुपेश देखिए यहाँ पर डीजे बजा रहा है एक और ये देखिए यहाँ पे डेकोरेट हो चुका है हमारा जो है बर्थडे गर्ल के लिए, जी मैंने तैयार किया है, हम सभी ने मिलकर तैयार किया है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो अभी चलते हैं केक कटिंग की तैयारी करते हैं, तो अभी सब कुछ हो चुका है, बस केक कटिंग होगा उसके बाद से फिर वही थोड़ा, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ क्योंकि हाथ पैर जो है मेरा काँप रहा है। तभी गेस्ट लोग आएंगे, ज़्यादा लोगों को मैंने नहीं इन्वाइट किया है, बस कुछ लोगों को ही बुलाया है, तो बस गेस्ट लोग आते ही होंगे, आ जाएंगे फिर मैं उठाऊंगी, तब तक थोड़ा बातें कर लूँ और पानी पी लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने एक गिलास पानी भी नहीं पिया है, तभी मैं पानी पी लेती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो देख लीजिए आप लोग फ्रेंड्स केक कैसा है। हाँ हाँ तुम्हारा देखे तुम अलग लाइफ अपना, कान्हा जी भी यहाँ देखिए बैठे हुई हैं पहले ही, ठीक है। ये देखिए छवि का केक है, माधुरी लिखवाए हैं, हाँ ठीक है, बहुत प्यारा है केक, देखो बहुत सुंदर है, चॉकलेट वाला अच्छा नहीं था बहुत, नहीं ठीक है ठीक है, अभी बंद कर दे रहे हैं, अभी कुछ पढ़ बढ़ जाएगा ना कुछ। अरे
गेस्ट भी आने लगे हैं, छवि भी रेडी हो गई है। अब आ बारी है केक कट करने की। छवि बहुत ज़्यादा खुश है, आप देख सकते होंगे उसके चेहरे से। तो अभी मैंने ज़्यादा लोग को नहीं बुलाया था क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बनाई नहीं थी, और बाहर से मैंने चाउमीन सिर्फ ऑर्डर कर दिया था और घर पे चूरा मटर मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए छवि केक कट करने जा रही है। ले लो, इसमें वीडियो ही सिर्फ बन रहा है। फोटो ले लो, ये कौन से गाना बजा रहा है? और बारी बारी सब लोगों ने मतलब छवि को तिलक लगाया, आरती उतारी उसकी। फिर इतना मतलब जल्दबाजी में मतलब डिसीजन हुआ ना कि मैंने केक का ऑर्डर दिया ही नहीं था। बस जो क्षमा को मिला मतलब मार्केट में वो लेके आ गई क्षमा। तो प्लानिंग पहले से कुछ किया ही नहीं था, और पहले ऑर्डर देती केक का तो मतलब मंगाती बड़ा केक, बट अभी इसी केक से काम चलाना होगा क्योंकि रात में प्रोग्राम बना 5:30 बजे। मैं सोची कि चलो ठीक है थोड़ा मना ही लेते हैं, तो इसकी वजह से केक मतलब छवि के मन का और मेरे मन का नहीं आया था। पर चलिए जो आया वो बहुत अच्छा आया। और फिर छवि सबको केक खिलाती है और पैर छूती है। तो अभी बच्चे सब डांस भी कर रहे थे और वही है, सब सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो क्लिक हो रहा था। बारी बारी फिर आ गई सबके नाश्ते की बारी। तो वही केक, नमकीन, बिस्किट, चूड़ा मटर और चाउमीन था, बस यही मैंने रखा था केक मतलब नाश्ते में सभी के, खाना वगैरह नहीं रखा था किसी के लिए। और यहाँ देखिए सब लोग मतलब जो नाश्ता है वो कर लेते हैं। फिर छवि की डांस की बारी आती है और बारी बारी सबने डांस किया, बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अभी जा रही है क्षमा, देखिए कितना अंधेरा हो गया है, शायद 11:30 हो रहा था, काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी सब कोई जा रहा है और ये ब्लॉग बस यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।